गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 की जो वीडियो बनाई है उसमें आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रखा है अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना जो है एक नंबर सोचती है और उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करती है 5/2। सी मल्टीप्लाई का रिजल्ट और ऐसा करने से उसका रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है और उसके बाद बोलते हैं द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, यानी 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 times है। तो वो नंबर क्या सोचा था वो बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लेट द नंबर इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। किसने बोला था थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर में से यानी एक्स में से 5/2 हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म होती है वो वेरिएबल में से डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकती, तो यही हमारा रिजल्ट होगा। और उसने बोला था सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और ये रिजल्ट थी इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, और ऐसा करने से जो हमारा आंसर आ रहा था, जो रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया 3 times द नंबर शी सोच, तो नंबर उसने सोचा था वो क्या था x, उस नंबर का 3 times। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म से, या फिर 8 जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको 8 को इधर डिवाइड में कर दो, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही सॉल्व कर देना। तो x माइनस, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं, 8 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x, माइनस 8 को जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड में इससे करके क्या आ जाएगा 4, और 4 × 5 = 20, तो ये होगा मेरा 20 = 3x। तो ये हमारे पास इक्वेशन सिंपल सॉल्व होकर आ चुकी है। अब 8x यहाँ पर था, वेरिएबल इसकी तरफ आएगा, 3x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 20, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो 20 प्लस का हो जाएगा। 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20/5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर उसने सोचा था वो नंबर हमारे पास क्या था 4, तो वही नंबर हमें निकालना था। तो चलिए जल्दी से इसका पॉज करके वीडियो को सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 times द अदर नंबर, यानी एक नंबर हमारे पास और दूसरा नंबर जो उसका 5 times है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट नंबर इक्वल टू हमने मान लिया x, तो इसमें बोला दूसरा नंबर जो उसका 5 times है, अदर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 times का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये मोर बोलता है तो x प्लस 5 करते हैं, लेकिन टाइम्स बोल रहा है इसका मतलब मल्टीपल की बात कर रहा है, तो ये हो गया 5x। कंडीशन इसने बोलती है इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर दोनों नंबरों में मैं 21 ऐड कर दूं, तो मैंने x के अंदर 21 ऐड कर दिया तो ये नंबर आ गया, और जो दूसरा नंबर था 5x उसके अंदर मैं 21 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, हमारे पास दो नंबर ये होंगे। अब कंडीशन क्या बोलेगा कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, तो हमारे पास ये जो दो नंबर नए आए हैं 21 ऐड करने के बाद, इनमें से एक नंबर जो बड़े वाला वो दूसरे का ट्वाइस है, यानी 2 times है। ये नंबर x था तो उसका 5 times ही है, तो सिंपल सी बात है ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है ये वाला नंबर, ये वाला नंबर इसका 2 times है, तो मैंने क्या बताया था जब हम इक्वल करते हैं तो छोटे वाले नंबर को 2 times कर दो, जितना ये 2 times, अगर ये 2 times है तो दूसरे को 2 times कर दो, ये इक्वल। मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल भी देकर बताया था कि अगर एज लेकर चलते हैं, दो बच्चे हैं, एक की एज, एक नाम ले लो कोई भी, एक सुमित ले लो और एक कोई अजय ले लो, अगर मान लो इसकी एज 5 साल ज़्यादा है सुमित से, तो अगर मैं सुमित की एज में 5 plus कर दूंगा दोनों की एज इक्वल नहीं हो जाएगी, तो सेम वही कंडीशन है, इसलिए टाइम्स की बात कर रखी है तो टाइम्स लेकर चलेंगे। इसमें ये बोल रखा है ये वाली ये वाला जो नंबर है 2 times है इसका, तो इसी को 2 times कर दो ना इक्वल करने के लिए। अब वैसे ही सॉल्व करो इसको, 2x + 21 से 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 42, और ये हमारे पास 5x + 21, ये हमारी लीनियर फॉर्म में आ चुका है। तो इसमें वैसे ही x को उधर इकट्ठा कर लो क्योंकि 5x बड़ा उस साइड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, x का ये नंबर उस साइड जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, इधर नंबर क्या बचा था 42 और 21 इस साइड आएगा तो ये भी माइनस, तो ये हमारे पास 5x - 2x करोगे तो ये हो गया हमारे पास 3x = 42 - 21 करेंगे तो 21, x = कितना आ गया 21/3, तो ये कट कर कितना आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू 7 आई, मीन्स जो हमने पहला नंबर माना था वो हमारे पास क्या हो जाएगा 7, और जो दूसरा नंबर था वो 5 times of that number, यानी 7 मल्टीप्लाई
5 मींस 35 और 7 दोनों हमारे पास दोनों नंबर है, इसने ये बोला था व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर निकालने तो 7 और 35 हमारा आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, व्हाट आर व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। इसने बोल रखा है कि हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ, और उसका सम 9 होना चाहिए दोनों डिजिट का, तो मैंने मान लो 27 ले लिया, आप 63 भी ले सकते हो, 54 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, यानी हम दोनों डिजिट को प्लस करें तो हमारा सम 9 आना चाहिए, इस टाइप की कंडीशन दे दी इसने, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका रिजल्ट लेकर सकता हूँ। तो मैं इस नंबर को लिख कर दे सकता हूँ 27 जो वो, इसको मैं लिख सकता हूँ वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो जब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, मतलब मेरे को पता है टेंस प्लेस जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो मेरे पास 20 प्लस 7, इसीलिए तो 27 आया था। तो ये वाली कंडीशन हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये हमारा सॉल्यूशन। देखिए हमने मान लिया लेट टेंस प्लेस पर डिजिट मैंने मान ली एक्स, तो मेरी वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, उसने बोला था कि दोनों डिजिट को प्लस करूंगा तो मेरा 9 आंसर आ रहा है, तो मेरे पास टेंस डिजिट अगर मैंने एक्स मान ली तो मैं वंस डिजिट निकालूंगा क्या होगा, दोनों डिजिट का सम 9 था, उसमें से जो एक मानी है वो अगर मैं हटा दूं माइनस कर दूं तो मेरी दूसरी डिजिट अपने आप आ जाएगी, तो ये मेरे पास वंस प्लेस की आ गई। अब इसको अगर मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेकर चलूं, यानी मेरे टेंस प्लेस पर है एक्स, यानी उसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वंस प्लेस पर है मेरा 9 माइनस एक्स, यानी उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दे दिया। अब आगे इसने बोल रखा है If we interchange the digit, the resulting new number is greater than by original number by 27. तो पहले मैं इसकी डिजिट चेंज करता हूँ, मान लो कि अब की बार मेरे वंस प्लेस पर तो सॉरी टेंस प्लेस पर आ जाए 9 माइनस एक्स, तो उसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस और वंस प्लेस पर चला जाए एक्स, यानी हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, जहाँ पर मेरी एक्स जो है टेंस प्लेस पर थी तो अब की बार 9 माइनस एक्स आई टेंस पर, पिछली बार 9 माइनस एक्स वंस पर थी तो वो हमारे पास एक्स टेंस वंस पर चला गया इसकी जगह पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला तो रिजल्टिंग न्यू नंबर इंटरचेंज करने के बाद तो मेरे पास यही नंबर आया, ये वाला नंबर इससे 27 ज्यादा है, तो मैंने जो पीछे क्वेश्चन में बताई थी अगर ये वाला नंबर 27 ज्यादा है तो मैं इस तरफ अगर 27 प्लस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। अब इसको सॉल्व करता हूं तो 10 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 10x प्लस 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना तो 9 बचा 9 एंड x को 1 से करूंगा तो 1, और ये 27 इसमें प्लस किया मैंने इस साइड, और वैसे इस साइड सॉल्व करूंगा तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस 10 को x से करोगे तो 10x एंड x को 1 से करोगे तो x, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब x बार एक तरफ कर लो, 10x ये रहा हमारे पास माइनस x ये रहा, और इस साइड माइनस 10x ये है, तो माइनस 10x को जब मैं इस साइड लेकर आऊंगा कितना हो जाएगा, यानी 10x ये था माइनस एक्स इधर ये है, और उधर से 10x माइनस का आएगा वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का जो एक्स आएगा प्लस का आएगा वो माइनस का हो जाएगा, ये 90 नंबर इस साइड था तो ये प्लस का 27 था वो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 था वो भी माइनस हो जाएगा, तो यही हमारे पास कॉन्स्टेंट हम एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स एक तरफ कर दिया हमने, 10x प्लस 10x 20x माइनस 2x, यानी x एंड x दोनों नेगेटिव के हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 90 प्लस का, और ये दोनों माइनस के, यानी 27 माइनस 9, यानी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा 36, यानी 90 माइनस 36, तो यहाँ से मैं जब वैल्यू निकालूंगा 20 में से 2 माइनस करूंगा तो ये हो गया 18x इज इक्वल टू 90 में से जब 36 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 4 एंड 5, यानी 54 हो जाएगा हमारे पास। अब x की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो गया 54 और डिवाइड में क्या चला जाएगा 18 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 प्रकट हो गया है हमारे पास, ओके। तो ये x की वैल्यू 3 आई है, मीन्स जो हमने टेंस डिजिट पर माना था वो x था, तो उसकी जगह मेरे पास आ गया 3, और जो वन प्लेस पर नंबर निकालूंगा तो मैं उसको 9 माइनस x की जगह 3 पुट करूंगा कितना आएगा 6, तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो क्या हो जाएगा, यानी 3 और 6 दोनों डिजिट को सम कर रहे हैं तो 9 भी हो रहा है, या तो मेरे पास वो नंबर 36 था या फिर अगर इसको इंटरचेंज करूंगा तो 63, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 36 एंड 63 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, ये रहा हमारा
अगला क्वेश्चन, इसमें जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसके बिल्कुल सेम जो है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी वो ही बोल रखा था कि जो हमारे पास है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है, यानी थर्ड और फोर्थ सेम है, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनानी और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप एक काम करना, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा खुद से ट्राई करके देखना, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। तो उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है सो वॉज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सो वॉज प्रेजेंट एज, यानी शोभो की मदर की एज जो है शोभो की एज की 6 टाइम्स है। तो हमने सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट शोभोस एज हमने मान ली एक्स ईयर, और उसकी मदर एज क्या हो जाएगी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मदर एज क्या बोला था 6 टाइम और शोभोस प्रेजेंट एज, तो यानी 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे 6x उनकी मदर की एज हो जाएगी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है शोभो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी मींस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर शोभो एज क्या हो जाएगी, शोभो एज इक्वल टू x पहले से प्रेजेंट एज और 5 साल बाद तो x + 5 हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो ये वाली एज जो है यानी x प्लस 5 जो उसकी 5 साल बाद एज होगी वो उनकी मदर की प्रेजेंट एज की बात करें, तो मदर की प्रेजेंट एज पहले लिख देते हैं, ये वाली इस एज का 1/3 हो जाती है, तो इस एज का 1/3 कर देंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे दोनों, ओके। तो चलिए ये 1/3 बोल रखा है, इसका मतलब 3 डिवाइड में, तो मैं इसको काट सकता हूँ 2 पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो मैंने बताया था ना ये मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 मल्टीप्लाई में और 3 उसके साथ डिवाइड में, तो डिनोमिनेटर में जब बहुत मल्टीप्लीकेशन का केस होता है उसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट सकते हैं, तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब वही वेरिएबल को एक तरफ x को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x और इस साइड से 5 बचेगा ये, तो 2x माइनस x क्या होता है x इक्वल टू 5, यानी हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू 5 है, x हमारे पास क्या था शोभो की एज थी, तो शोभो और इसने क्या पूछा ना व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज बता दी है, तो शोभो की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी वो तो x ही थी, तो x आया कितना है 5, तो यानी शोभो की प्रेजेंट एज तो होगी 5 ईयर, और उनकी मम्मी की जो एज थी यानी मदर एज जो थी वो 6 टाइम्स, यानी मदर एज क्या हो जाएगी इसका 6 टाइम मींस 30 ईयर्स जो है वो उनकी मदर की एज हो जाएगी। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। तो वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं यहीं तक 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस वीडियो में, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके 6 से 10 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए जाएंगे, तब तक आप अपनी क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, टेक केयर।